सो आज फादर्स डे है तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे बड़े हमारे राजीव भैया हैं. सो हम उन लोगों को सरप्राइज देने जा रहे हैं फादर्स डे पर. हेलो एवरीवन, हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन. होप आपके सबके फादर अच्छे होंगे, भले होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मजे में होंगे, अच्छी तरीके से बना रहे होंगे अपना फादर्स डे. या सबके सब सारे पापाओं को जो वहाँ पर है हैप्पी फादर्स डे. और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है, थैंक यू सो मच. सो अब हम आपको दिखाते हैं, हम लोगों ने राजीव भैया के लिए छोटा सा टोकन और गिफ्ट लिया है, लव लिया है. हमने क्या क्या लिया है हम आपको दिखाते हैं. सो ये एक शर्ट है जो हमने राजीव भैया के लिए ली है, क्योंकि राजीव भैया कभी कुछ फंकी पहनते नहीं है, तो हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं. और मुझे कोई फादर्स डे करके या फिर कुछ करके मिला नहीं, तो मेरे को ये मिला रोर एंड शेर. तो हमारे लिए वो हमारे शेर से कम नहीं है, तो मेरे को यही बेस्ट लगा तो मैं यही लेके आ गई. अच्छा लगा तेरी पसंद, तो वही होप भैया को हमारा ये छोटा सा गिफ्ट लव प्यार पसंद आए. भैया वैसे हर चीज एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, भैया जैसा पापा नसीबों वालों को मिलता है. क्या कहना है? सही बात है, भैया जैसा भैया भी नसीबों वालों को मिलता है. हाँ, सो फाइनली हम भैया के घर पे पहुंच गए हैं, बट सिर्फ भाभी को पता है हम लोग आ रहे हैं. हमने भाभी को बोला था ना यशिका को बताना है, और ना ही भैया को बताना है. हम लोग यहाँ पे सरप्राइज देने आए हैं, तो लेट्स सी भैया का रिएक्शन क्या होता है. चलो आपको भी साथ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं भैया का रिएक्शन क्या होगा. मैं नर्वस, मैं हैप्पी, मैं सब कुछ हूँ, बट भैया का रिएक्शन देख के और भी अच्छा लगेगा कि भैया कैसे रिएक्ट करेंगे. क्या बोलते हो भैया? ऑलवेज आप जो हमें इतना प्यार देते हैं, सीरियसली आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग थोड़ा सा वैसे हम थे, पर यू नो हम शो नहीं करते थे, अब शो करना पड़ता. नहीं तो आप कहते आप रोबोट की तरह बोल रहे हो, नहीं तो अब शो करना पड़ता सब कुछ. चलो आप तो कुछ करते ही नहीं, घर में ही बैठे रहते हो, तो चलो शो करना पड़ता. चलो जल्दी से चलते, जल्दी से चलते हैं. तो हम घर पे आ गए हैं और घंटी बजा रही है. घंटी अभी है नहीं यहाँ पे, तो दिस इज द ओनली घंटी. देखते हैं, हाँ भाभी आई है. हेलो, हेलो भाभी, नमस्ते. नमस्ते जी, कैसे? हमारे दर्शकों को राम राम कर दो. सेम ही है वैसे तो. हमारे फादर, सबके फादर, सबके फादर सब पीछे हैं, ऋषि का जन्म. भैया भैया आ गए, पड़ोसी थे. उधर से तो आपको बिल्कुल क्लियर देख ही नहीं हूँ. भैया भैया कह रहे हैं पड़ोसी पड़ोसी थो को. ऋषि का पापा क्या कर रहे हैं? दादी से बात कर रहे हैं. चलो जाके सरप्राइज करते हैं भैया को, पीछे से इधर से करते हैं. हाँ भैया को पीछे से ही पीकअबू करते हैं. अच्छा यशिका, हाँ हाँ ठीक है, ये करेंगी काम. अरे कहाँ उठा रही है यहाँ पौधे में कुछ करवाएंगे उनसे. यशिका इधर आ जा. भैया वहाँ पे बैठे हैं और भाभी है ना, भैया को बुला रही है कुछ काम कराने के लिए. मूव कर दिया, रास्ता साफ हो चुका है. धीरे धीरे भैया आने वाले हैं यहाँ पे. चलो वहाँ बैठ कर दादी से बात कर रहे हैं. आ जाओ, तुम यहाँ बैठे में मिले. पानी पीने गए थे, वहाँ पे बैठ गए. आ जाओ जल्दी आ जाओ, इतना टाइम किधर से. तो ये बैठे होते हैं भैया आएंगे या क्या करना है? वही बैठ के पानी पीने ना, पानी खड़े होके नहीं पीता ना बंदा, बैठ के पीता है. अभी अशिका और चाय चाचा पिकअपू करने जा रहे हैं. और भैया हैप्पी फादर्स डे भैया.
यशिका तेरे को पता था? नहीं इसे भी नहीं पता था, अभी इसको तो नहीं पता, दो मिनट पहले पता लगा इसको। भाई सरप्राइज इन्होंने, दूसरा सरप्राइज हो गया ये। एक तो बर्थडे में था, किसका बर्थडे था? मेरा था, यशिका यशिका का बर्थडे था, यशिका का बर्थडे था, दोनों के ऊपर पारी चढ़ गई। एक मेरे यशिका को दिया सरप्राइज और अब मेरे को सरप्राइज, देख लो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और ये बैग बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। द लायन ऑफ द फैमिली, अब मेरे को फादर वाली भी मिल गई, अब बड़ा हो गया इतना। हमारे लिए आप फादर से कम थोड़ी ना हो भाई, समझ में नहीं आ रहा कि बोले क्या। भैया खुश भी और दुखी भी है, तुमने बड़ा भी कर दिया, भैया यंग भी रहना चाहते हैं, तुमने बड़ा भी कर दिया। ये बात भी है, मम्मी यहाँ पे मेरी मदर है भाई, ये लो आप लोग अभी लौटते हैं, ये मेरी मदर है, ये रहती है हमेशा मम्मी। ये देख लो, ये हमेशा चश्मा पहन के रहती है क्योंकि जेम्स बॉन्ड से काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं, है ना। फोन पे मम्मी पूछ रही है कि तुम आज किस चीज का सरप्राइज दे रहे हो। अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ, जब हम छोटे होते थे तो पापा कहते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई है ना, बाप के समान होता है, उसकी रिस्पेक्ट करो। आज जाके हमें वो बात समझ में आई है, आज वो फीलिंग आई है कि भाई हाँ बड़ा भाई है, भाई बाप के समान है। ये लोग ना हमेशा हंसते थे, अच्छा ये भाई हो गया, नहीं ये पापा हो गया, मैं माँ होगी तो यशिका तुम्हारी बहन होगी। बट इन सारी चीजों में भाभी को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमने मदर्स डे में भाभी को बहन ही मान के रखा है, मम्मी का दर्जा अभी तक नहीं दिया। ये वो वाली एड है जो हम छोटे थे तब एड आती थी, उस सीढ़ियों से उतरते हुए बोलता था कि हेलो आंटी दीदी, हेलो अंकल, तो बेचारी वैसे हो जाते थे। वो वाला हो गया आपके साथ कि आई एम स्टिल भाभी, यू आर द पापा। कोई नहीं कोई नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बड़ा बन के फादर की एज में आके आई एम हैप्पी। योर फादर ऑफ सिक्स ईयर ओल्ड डॉटर, हाँ सही बात है भाई। लेकिन हैप्पी फादर्स डे आप सभी को, और बहुत बहुत बधाई हो भाई, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार करो, जितने बड़े सबको फादर मदर समझो, बड़े भाई हो उसके फादर समझो, जैसे उन्हें छोटों को प्यार दो, छोटों से प्यार लो, प्यार लो और क्या। और हमारी यशिका यहाँ पे क्या कहना चाहती है पापा के लिए? हैप्पी फादर डे। क्या क्या किया आपने आज? हमने मैंने टीवी देखा था, फिर आप आ गए, फिर मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेने गया था, अब हम केक काटेंगे। ओ क्या चाहिए हमको? केक काटेंगे, केक काटेंगे, केक काटेंगे। यशिका जी का सोच रही है तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, इस पापा को इतना इम्पोर्टेंट बना रहा है, नॉर्मली इट्स माय टर्न नाउ। क्या हो गया? केक काटेंगे यशिका। क्या हो गया? ये ज्यादा खुश हो गया ना, एकदम ऐसा सरप्राइज मिल गया था, इसलिए ये समझ नहीं पा रही, ऐसे ही इसको ये लग रहा है जैसे चौकी आता था वो बिना पागल हो जाता है, क्या है क्या क्या क्या, घर से बाहर निकल गया मैं, वैसे ये शेर ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया मेरे साथ। चाचू चाची आ गए हैं, तो चलो चाचू अभी काटोगे या बाद में काटोगे केक? अभी काटोगे। ये भी गिफ्ट है, फोन भी गिफ्ट है, टॉफी भी गिफ्ट है, फोन भी मिल गया भाई मुझे, पारुल का फोन है ना, पारुल का फोन है, अब ये मेरे को मिल गया क्योंकि गिफ्ट बैग में था, जो भी इसके अंदर था वो सब मेरा, तो मैं अपने जेब में डालू पहले फोन को? डाल लो भैया, आपके पास है, मेरे पास तो बात तो एक ही है। और इसके बाद भाई शानदार टोपी, भाई मुझे तुम पापा बोल रहे हो, फादर की उसमें दे रहे हो और गिफ्ट ऐसे दे रहे हो 17-18 साल के बच्चे वाले। तो हम आपको, हम आपका औदा बड़ा कर रहे हैं, पर हमको, हम आपको स्टिल यंग रखना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे अच्छी चीज लगी। दिल से तो बच्चे ही हो ना भैया, दिल से तो बच्चा हूँ। ये कपड़े वैसे हैं पापा वाले? ओ नहीं, ये तो यंग वाले हैं भाई, भैया पापा वाले। ये तो लड़का जो खुद पहनता है ना शर्ट, जो इसकी शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वैसे सी है शर्ट तो नाइस। अब मेरे को लगता है बीच पे जाना पड़ेगा, इन्होंने मुझे आइडिया दिया है कि गाइडेंस कि भाई ये शॉट ऐसा दे दिया, इशारों इशारों में हम आपको गिफ्ट के तरीके तौर से बोल रहे हैं, ले चलो हवेली, चलो गिफ्ट। क्या हो गया?
बहुत ओके नाइस। फिर तो मोटो डिजाइन खींचेगी। कैसा लग रहा हूं? यू लुक लाइक अ सिंगर। कह रही है लड़की आई एम लुकिंग लाइक अ सिंगर। ओके केक कट रहा है भाई गाइस। चलो केक कटिंग सेरेमनी। चलो भागते हैं। उधर जाओ प्लीज फ्रेम में। दीदी हो तो क्या हुआ? नहीं नहीं ये आएगा ना, ये भी आएगा ना। हाँ बच्चा तो उधर है ना। बच्चा तो है बच्चे। हाँ हमारा केक कटेगा। Happy Father's Day! Papa, I got you! Yay! आप हुए तो चाचू भी बेटा पापा को देते ना? हाँ हो गया। चाचू को भी तो Happy Father's Day हुआ ना? Responsibility. Yay! He can responsibility. Oh wow! चाचू. चाचू यशिका को अपने ऊपर सुलाते थे, इसको दूध पिलाते थे। चाचू ने एक बार पता नहीं हम कहाँ गए थे, पीछे से यशिका ने अपनी नैपी भी गंदी कर दी थी। चाचू ने हिम्मत करके वो भी क्लीन किया था। और चाचू ने जब हम आए, चाचू ने नैपी उल्टी पहना रखी। तो ये मेमोरीज हैं सारी। बट फिर भी चाचू का तो फर्स्ट बेबी था ना, तो चाचू इज वॉज लर्निंग है ना। चाचू ने तो बहुत किया भाई। यशिका भाई मम्मी को भी खिला दो उर्फ मेरी ऑब्लिक दीदी। मेरे भाई मम्मी ले तू भी खा। फादर्स डे है वैसे तू जबरदस्ती खा रही है, हम बैठे हुए इसलिए खिला रहे हैं। थैंक यू। ओह भाई तेरे को खिलाता हूँ मैं अच्छे वाला। लेकिन शुक्र है मैं फ्लेवर दूसरा ले आया। भैया अपने फादर्स डे में अपने लिए खुद ही केक लाए हैं। नहीं नहीं मैं इसके लिए लाया था, ये मेरे लिए लाना चाहते थे कि मैं केक खाया था नहीं। हाँ। तो इसे लगा पापा मीठा नहीं आएंगे। फिर मैंने रिजर्वेशन में पूछा, अच्छा तो मेरा दिल था आप अगर मैं ले आती आप खाते तो मुझे अच्छा लगता, केक काटना तो अच्छा होता है ना, मदर्स डे फादर्स डे हैप्पी बर्थडे पे केक काट। मुझे लगा इसके लिए लेके आता। तो दिखाते नहीं थे ना वो। तो यहाँ पे चाचू इसको मदद करा रहे हैं डॉग बनाने में, एंड में यहाँ पे वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाता था और फिर बताते नहीं थे। फिर अगले एपिसोड में फिर एक हफ्ते बाद चले आती थी। ये तो आपके व्लॉग कितने नहीं है कि आप व्लॉग की वो जो क्या बोलते हैं जो भी हेडलाइन होती है आप कुछ डालते हो लेकिन व्लॉग में ऐसा होता कुछ नहीं है। क्या ये सत्य वचन है? ऐसा नहीं है, मैं व्लॉग की वही हेडलाइन डालता हूँ जो व्लॉग के अंदर होता है। दिस इज व्हाट आई डू। सस्पेंस थ्रिलर है ये। तो बताओ अभी डिस्कशन क्या चल रहा था? डिस्कशन ये चल रहा था कि बचपन में हमें क्या क्या देखना पसंद था। जैसे मुझे पसंद था महाभारत, रामायण, कृष्णा, चंद्रकांता, ये सारे मेरे फेवरेट होते थे। ये पसंद नहीं था। यू डिडंट हैड एनी अदर चॉइस। बिल्कुल घर वाले ये देख रहे होते थे। डीवीडी पे इसके अलावा और कुछ आता नहीं था। दिस इज व्हाट यू वॉच। अब जैसे Netflix, Amazon Prime, YouTube है, जब ये नहीं होता था। पहले ऑप्शन ही होते थे चित्रा, रंगोली, उसके बाद ये यहाँ पे नहीं लगानी है, अपनी बुक्स में लगा देना। ये बात सही है, ऑप्शन ही है। और सही बात है, ऑप्शन कम थे तो बंदों की सबकी चॉइस भी सेम है। बचपन में जो चीजें देखी है वो भी सेम है। अब नेटफ्लिक्स में कोई दूसरे सूट्स पुराना दिन का तो बस पुराने दिन जा रहे हैं। ये नाम तो इसलिए आया क्योंकि लड़का देख रहा है अभी। देख रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम सूट्स। हेलो ऑडियंस, क्या देख रहे हैं? ऑडियंस मैच देख रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब मैच चल रहा है दोनों के बीच। ये क्या खेल रहे हैं ये भैया? ये कौन सा टेनिस है? ये अभी खेलोगे ना तब आपको पता लगेगा। देखने में लगता है कि ये मार क्यों नहीं पा रहे। हाँ। लेकिन जब खुद खेलते हैं तब पता लगता है। जो ज्यादा लगता है वो भी तुक्का ही लगता है बस। ये तो ऐसे लग रहा है रोहित अपने साथ ही खेल रहे हैं बस भैया। तो वहाँ हवा में Come on, let's see. Sangwan family or Rohit Sangwan family? Woo! Come on, Rohit Sangwan family. Come on, Sangwan family. Come on, come on. Let's see. Sangwan or Rohit Sangwan? Come on. Come on. इतना प्रेशर आ गया रोहित से, एक भी नहीं मारी जा रही शॉट। काम करो जो बोल रही
तो ये रोहित सांगवानी हो जाएगा तो मस्त है यार। और अब ये मैच हो गया है, यहाँ पे पारुल और रोहित आराम से खेलते रहो, कोई नहीं तेज नहीं, धीरे 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 धीरे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं धीरे धीरे मारते रहो। हाँ अच्छी एक्सरसाइज है ये, फोकस बहुत अच्छी है, फोकस के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे यही है दुनिया। हाँ कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही तगड़ा चैलेंज हो रहा है यहाँ पे, लिएंडर पेस और महेश नहीं लिएंडर पेस सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस के बीच। अच्छा हम अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बहुत सही बहुत सही बहुत सही। इसी के साथ मैच फिनिश होता है। अब चाय की चर्चा के बाद अब कौन सी चर्चा है, अब है मालिश चर्चा। मालिश 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 अच्छा यशु चाचू को मालिश करके दिखा। सो फाइनली अब हम मैंने यशिका ने डांस वांस कर लिया है, सब कुछ कर लिया है और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, हमारी अब पार्टी हो रही है यहाँ पे और साथ में मूवी लगाई है जो हमारी बच गई थी, कौन सी हमारी नाम क्या इसका, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, हाँ हम साथ साथ है मूवी देख रहे हैं। अब हमारी हिबड़ा भी माचे नो मोर आएगा तो चलो हम आपको भी दिखाते कैसे हिबड़ा हमारे हिबड़ा में नाचे मोर, हमारे हिबड़ा में नाचे मोर, हम आपको ये दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या बना है और भैया ने हमारे लिए कौन सा स्पेशल फ्रूट काटा है और वो कितना मीठा है कैसा है, चलो हम आपको बताते हैं। स्पेशल फ्रूट में है फलों का राजा आम, देखिए प्लेट में रखे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, सच में भाई आम है ना यूके में खाने के लिए मिल जाए इससे अच्छी बात है। चटनी बनी हुई है बहुत स्वादिष्ट और उसके साथ मिक्स वेज और पनीर की सब्जी है और अच्छा खासा रायता कटा हुआ है, नहीं रायता नहीं कटा हुआ सॉरी सैलेड कटा हुआ और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां है और इसको हम एंजॉय करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम लोग सारे के सारे धरती से जुड़े हुए हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो हम अपना टीवी भी उसी लेवल पे रखते हैं कि हमें ज्यादा गर्दन को ऊपर ना करना पड़े, तो हमारा टीवी भी जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ है टीवी, सोते भी नीचे ही है ऊपर नहीं जाते हैं। हाँ, कल हम यहीं सोए तो बस वही है। तो यशु खाना कैसा है बेबी, खाएगी तब बताऊंगी ना चाची। तो चलो हम टाइम खोटी ना करते हुए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, खाना खा के हम आपको बताते हैं और देखते हैं आपके साथ फिर से कि हमने बाद में इसके बाद हम क्या मटर गस्ती करेंगे। सो हमने खाना खा लिया, मैं किचन में पानी पीने आई थी तो भैया क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ये भाई यहाँ पे सरप्राइज केक यशिका के लिए जो मैं एक लेके आया था। हाँ जी, सो अब ये कौन सा फ्लेवर है, अब ये है रेड वेलवेट, रेड वेलवेट, हाँ रेड वेलवेट है भैया। अब ये वाला एक केक और कटेगा यशिका के लिए, तो फादर्स डे के दो हुए तो यशिका ने मुझे सरप्राइज दिया तो मैं यशिका को ये वाला सरप्राइज दूंगा। है एक और सुपर इंटरेस्टिंग केक जिसके लिए यशिका, यशिका आपका बर्थडे है क्या, अब दो दो केक कैसे काट सकते हैं, फादर्स डे है ओके तो फादर को काटने दो, लेट गिव इट कर रही है अब आई बेसिकली ऑल इज योर्स, ऑल इज योर्स, यू एंजॉय द केक, नॉट माइन, व्हाई, आई वोंट हैव ऑल ऑफ इट, आई डोंट लाइक शुगर। अब आज गलती, अब आज गलती, वाह बेटे वाह, अरे वाह सेलवा तुम तो।